नमस्कार मित्रों, आज हम जानते हैं कि जो है आबादी की भूमि पर किसका अधिकार होता है। अगर कोई ज़मीन आबादी की है तो आबादी की ज़मीन पर जो है किसका अधिकार होता है, तो आइए जानते हैं हम लोग। जैसे कि गांव, शहर, कस्बों में, जितने भी जो है आबादी वाली ज़मीन होती है, गांव शहर कस्बों में जितने भी जो है आबादी वाली ज़मीन होती है वह सरकार की ही होती है। यानी गांव हो, शहर हो, या कोई कस्बा हो, मोहल्ला हो, तो वहां पे जितनी भी आबादी की ज़मीन होती है वो ज़मीन सरकार की होती है। इस ज़मीन को स्थानीय प्रशासन जो है अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी जो आबादी की ज़मीन होती है उसको जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या प्रशासन होता है वो अपने अनुसार उसको जो है उसका उपयोग कर सकता है। जैसे जैसे वो चाहे उस ज़मीन पर जो विद्यालय बनवा सकता है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करा सकता है, अस्पताल बनवा सकता है, या कोई सरकारी पंचायत भवन या कोई भवन का निर्माण कर सकता है, और उस प्रकार के भवन का जो है निर्माण करके वो सरकारी योजनाओं उसका जो है उपयोग कर सकता है, और सरकारी योजनाओं के अनुसार जो है आबादी ज़मीन जो है पट्टा पर भी दिया जा सकता है। यानी कि सरकारी योजनाओं के अनुसार जो है आबादी की ज़मीन को वहाँ का स्थानीय प्रशासन पट्टा भी कर सकता है। जो लोग भूमिहीन हैं या गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको मकान के लिए या खेत के लिए उनको पट्टा भी कर सकता है। ये जो स्थानीय प्रशासन यानी ग्राम प्रधान या SDM स्तर से जो भी होगा कार्रवाई, उनको वो पट्टा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आबादी की भूमि पर किसका अधिकार हो सकता है, किसका अधिकार होता है। तो अधिकार जो है ग्राम प्रशासन का ही होता है, या जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है उसी का होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।